हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लेके आया हूं बीकॉम सेकंड ईयर के लिए औद्योगिक संनियम यानी कि इंडस्ट्री लॉ के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, जैसे बी कॉम के सभी सब्जेक्ट हैं, एम सी क्यू बेस्ड तैयारी करा रहे हैं, बी कॉम सेकेंड ईयर, बी कॉम फर्स्ट ईयर, वो फाइनल ईयर, उसके बाद कॉम्पिटिशन की जो भी जी एस का पोर्शन है वो हम पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, साइंस में तीनों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, करंट जी के, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, बी कॉम के कोर्सेस हैं और 9th, 10th, 11th, 12th के लिए कॉमर्स है और इंग्लिश 6 से लेके 12 तक की सभी इंग्लिश पूरी जो ग्रामर पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। तो हमारे चैनल से लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, संघ के विघटन की सूचना कितने दिनों में दी जानी आवश्यक है? इसका 20 है या 14 दिन में। राष्ट्र, राज्य और केंद्र सरकार के श्रम संघों के संबंध विवरण कब भेजिए? इसका डी सही है, निर्धारित समय में। संघ के नाम में परिवर्तन की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? इसका सी सही है, 7 सदस्यों का। नियमों पर विचार करने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए? इसका सी सही है, 3 महीने। बनाए गए नियम संसद एवं राज्य विधानमंडल के समक्ष कितने समय के लिए रखे जाने चाहिए? इसका बी सही है, 30 दिन। संघ श्रम संघ के बारे में झूठी सूचना देने पर कितना जुर्माना है? इसका बी सही है, 200 रुपये। विवरणी न भेजने के लिए कितना जुर्माना दिया जा सकता है? इसका बी सही है, 5 रुपये। बीमारी लाभ कितने सप्ताह के लिए मिल सकता है? इसका डी सही है, 8 सप्ताह के लिए। आगे क्वेश्चन है, प्रसूति लाभ कितने सप्ताह के लिए प्राप्त हो सकता है? इसका डी सही, 12 सप्ताह के लिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की मासिक वेतन सीमा क्या है? इसका डी सही, 2500 रुपये। महिला कर्मचारी को प्रसूति लाभ शिशु जन्म के कितने सप्ताह पहले तक मिल सकता है? इसका सी सही है, 6 सप्ताह। बीमित व्यक्ति का वह बच्चा जो उस समय पूर्ण रूप से आश्रित है कितनी आयु तक शिक्षा प्राप्त करने पर परिवार की परिभाषा में सम्मिलित होगा? इसका सी सही है, 21। कराबी अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका बी सही है, मौसमी कारखानों पर। प्रसव की स्थिति में उस पीड़ा से जो गर्भवती होने के कितने सप्ताह बाद होती है, जीवित या मृत बच्चे के पैदा होने पर होने के कितने सप्ताह? इसका डी सही है, 26। केंद्रीय सरकार द्वारा कराबी निगम के कितने राज्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे? इसका डी सही है, 5। आयोजन है, नियुक्ता द्वारा अंशदान समय पर जमा कराने पर कितने प्रतिशत ब्याज दे, समय पर जमा कराने पर कितने प्रतिशत ब्याज देना होगा? इसका डी सही है, 12%। जानबूझकर झूठा ब्याज देने के लिए कितना जुर्माना किया जा सकता है? डी, 2000 का। जानबूझकर झूठा ब्याज देने के लिए कितनी सजा की जा सकती है? डी, 6 माह की। यदि नियुक्ता अंशदान जमा कराने से चूक जाता है तो कितनी सजा के लिए भागी होगा? इसी, 3 वर्ष की। यदि नियुक्ता विवरण भेजने में चूक जाता है तो उस पर क्या जुर्माना होगा? इसका बी सही है, 6 माह। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सी सही है, 1923 ईस्वी में। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ? इसका डी सही है, 1924 में। कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध अपील करने की समय सीमा कितनी? इसका सी सही है, 60 दिन। आगे
कारखाना अधिनियम के अनुसार एक कारखाने में इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका सी सही है, सभी शामिल नहीं है। एक दो तीन, तीनों विकल्प, तीनों पॉइंट सही है, इसका सी विकल्प सही है। ठीक है, रेलवे उत्पादन इकाइयों के कारखाने का विज्ञापन 1948 MC 23 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित इकाइयों अधिभोगी का नियुक्त किया जाएगा, इसका सी सही है। मुख्य यांत्रिक इंजीनियरिंग कारखाना अधिनियम नियुक्ता पर उसके कार्यकर्ता पर निम्नलिखित दायित्वों को लागू करता है, इसका डी सही है। उपरोक्त सभी आगे कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59(1) के तहत कर्मचारियों को ओवरटाइम की गणना की जानी चाहिए, इसका डी सही। दैनिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर, जो भी अनुकूल हो। अधिनियम की धारा 2A किस शब्द को परिभाषित करती है? वयस्क को, इसका ए सही है। एलिन अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष आय पूरी कर नहीं किया हुआ होगा, इसका सी सही है। बच्चा अधिनियम के तहत धारा 2N परिभाषित करता है, इसका डी सही है। अधिभोगी को अधिनियम के अनुसार एवर वर्ग रूप से फर्श को हर बार साफ किया जाना चाहिए, इसका सी सही है। सप्ताह में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नीचों की शक्ति पर किस धारा में चर्चा की गई है? धारा 9 में। कर्मचारी सुरक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारी के संरक्षित करना है, इसका डी सही है। उपयोग सभी। और आगे है, निम्नलिखित में से किसमें उपकरण मशीन और नौकरी से सुरक्षा प्रदान करने की सामग्री पुनः डिजाइन है? इसका आंसर ए सही है, सुरक्षा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, कर्मचारी के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? इसका डी सही है, उपरोक्त सभी की। कर्मचारी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किसका प्राथमिक उद्देश्य? इसका ए सही है, कारखाना अधिनियम 1948। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित नहीं है? इसका सी सही है, बोनस भुगतान अधिनियम 1964। आगे, वरिष्ठों द्वारा निरीक्षण और पदोन्नति के लिए साक्षात्कार के अंतर्गत आमतौर पर आते हैं, ये सही है, अकाल्पनिक प्रक्रिया तनाव। आगे है 134, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व आंतरिक तनाव के लिए तुलनात्मक रूप से कम उजागर होता है? इसका बी सही है, टाइम बी व्यक्तित्व। लागत संपर्क में रहने के कारण किसी व्यक्ति को होने वाली थकावट तनाव लगातार संपर्क में रहने के कारण किसी व्यक्ति को होने वाली वाली थकावट तनाव पैदा करने वाली स्थिति को सामान्य कहा जाता है, इसका डी सही है, बर्न आउट। हाँ, तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, इससे आगे कल करेंगे। तब तक के लिए गुड डे ऑल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमने बताया हमारे चैनल में सारे कोर्स चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन के लिए GS का पूरा पोर्शन हम कवर करा रहे हैं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट GK, ठीक है, और अकेडमी के लिए 9th से लेकर 12th तक की इंग्लिश का ग्रामर करा रहे हैं, और कॉमर्स में 9th, 10th, 11th, 12th UP और CBSE बोर्ड दोनों का कॉमर्स करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इसका सभी को बेनिफिट मिले। यहाँ याद रखना, सभी कोर्स फ्री में हम दे रहे हैं, तो इसका आप लाभ अवश्य उठाएं।